हेलो एंड वेलकम टू रिपेयर द मोबाइल डॉट कॉम। आज इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस जो मोबाइल है उसका रिपेयरिंग करेंगे। ये मोबाइल अभी डेड है। पहले मैं पावर ऑन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये अभी ऑन नहीं हो रहा है, अभी फिलहाल फुल्ली डेड है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। पहले बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज है। जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी का जो वोल्टेज है अभी 0 वोल्ट शो कर रहा है, यानी कि बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज है। तो फुल्ली डिस्चार्ज होने का कारण क्या हो सकता है? मोबाइल में शॉर्टिंग होने का चांसेस भी रहने से मोबाइल फुल्ली डिस्चार्ज हो सकता है। तो इसीलिए मल्टीमीटर को डायोड मोड में सिलेक्ट करके उसका जो बैटरी का कनेक्टर है उसमें चेक करते हैं। देखिए ये बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है जो कि ग्राउंड रीडिंग आ रहे है, बाकी पॉजिटिव पॉइंट में 0.46 आ रहा है जो कि सही रीडिंग है। एक बार ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करके रेड प्रोब में चेक करते हैं। अभी जो वैल्यू आ रहा है 2.985 जो कि ओके कंडीशन माना जाता है। चलिए चार्जर को कनेक्ट करके एक बार चेक करते हैं बैटरी कनेक्टर में कितना वोल्टेज शो कर रहा है। देखिए अभी जो बैटरी का वोल्टेज है वो 0 वोल्ट शो कर रहा है। एक्चुअली उसमें कुछ वोल्टेज शो करना चाहिए लेकिन कुछ भी वोल्टेज नहीं शो कर रहा है। ये आपका 4.3 तक वेरी करना चाहिए उधर वोल्टेज। तो अभी डीसी पावर सप्लाई के हेल्प से बैटरी को थोड़ा बूस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं डीसी पावर सप्लाई का वोल्टेज को 4.3 वोल्ट और करंट को 3 एम्पीयर में सेट करके एक बार बैटरी को बूस्ट कर दिया हूँ। अभी 5 मिनट बूस्टिंग के बाद अभी वोल्टेज उसका 3.7 वोल्ट हो गया है जो कि सफिशिएंट है मोबाइल को पावर ऑन करने के लिए। चलिए एक बार बैटरी को कनेक्ट करके मदरबोर्ड में पावर ऑन करने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए अभी मोबाइल चालू हो गया है, यानी कि ये जो इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस में जो प्रॉब्लम था वो चार्जिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है क्योंकि मोबाइल तो अभी फुली ऑन हो गया है। तो मोबाइल डेड होने का जो कारण था वो चार्जिंग रिलेटेड है, इससे हमको पता चलता है। अभी एक बार चार्जर लगा के चेक करते हैं कि चार्जिंग एम्पेरेज करंट कितना ले रहा है। जैसे कि आप 8 मीटर में देख सकते हैं जो चार्जिंग एम्पेरेज करंट है वो 0.11 एम्पेयर है, और मोबाइल में देख सकते हैं मोबाइल में चार्जिंग साइन का तो इंडिकेशन आ रहा है लेकिन जो एम्पेरेज होना चाहिए चार्जिंग एम्पेरेज वो उतना नहीं हो रहा है। 0.11 जो एम्पेयर है वो बहुत कम है मोबाइल को चार्ज करने के लिए, वो मिनिमम 0.7 एम्पेयर से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन चार्जिंग का सिंबल आ रहा है। ये जो कंडीशन है इसी कंडीशन को हम फेक चार्जिंग कहते हैं।
अभी ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये मोबाइल का चार्जिंग सेक्शन होता है। वो चार्जिंग सेक्शन में काम करने के लिए पहले उसके जो टिन है वो टिन को कटर के हेल्प से निकाल देते हैं। आप चाहें तो SMD मशीन यूज करके भी उसको निकाल सकते हैं या फिर कटर के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। कटर के हेल्प से निकालने के टाइम में थोड़ा सावधान से निकालिए, जिससे कि पास में जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट कहीं उधर उखड़ न जाए। ये जो आप IC देख रहे हैं ये मोबाइल का चार्जिंग IC है, जिसका नंबर है BQ25601। जो भी IC BQ से स्टार्ट होता है वो IC चार्जिंग IC रहता है। देखिए, आप जब चार्जर मोबाइल में इंसर्ट करते हैं उधर से 5 वोल्ट इस कैपेसिटर के हेल्प से ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC के माध्यम से ये जो IC है BQ25601 IC को इन होता है। तो पहले मैं ओवर प्रोटेक्शन IC को निकाल देता हूँ। ओवर प्रोटेक्शन IC या फिर जो OBP IC है उसका काम रहता है, अगर मोबाइल में ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो वो IC बोर्ड को प्रोटेक्ट करता है, तो इसीलिए चार्जिंग सेक्शन में OBP IC लगा हुआ रहता है। देखिए, अभी OBP IC निकाल दिया हूँ और निकालने के बाद एक बार वो जो पैड है पैड को डिसोल्डरिंग विक के हेल्प से साफ कर देते हैं। अभी मल्टीमीटर के हेल्प से एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इधर कुछ वैल्यू से नहीं कर रहा है, क्योंकि जो OBP IC था उसको डिस्कनेक्ट कर दिए हैं तो कुछ लाइन नहीं बन रहा है। लेकिन ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर में 0.07 दिखा रहा है, यानी कि ये जो कैपेसिटर है उधर शॉर्टिंग हमको दिखाई दे रहा है। तो पहले मैं कैपेसिटर को रिमूव करके एक बार चेक करते हैं। इस कंडीशन में दो चांसेस रहता है, या फिर IC हमारा जो BQ25601 IC शॉर्ट हो सकता है या फिर एक कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। तो इसलिए पहले मैं कैपेसिटर को रिमूव करके एक बार चेक कर लेता हूँ अभी शॉर्टिंग है या नहीं। देखिए, अभी सेटिंग हट गया है, पहले 0.07 आ रहा था, अभी 0.0887 आ रहा है, यानी कि सेटिंग हमारा हट गया है। तो अभी इस कंडीशन में आप जो OBP IC हम निकाले थे उसको सोल्डरिंग कर देना चाहिए, लेकिन मैं अभी OBP IC है उसको मैं बाईपास कर देता हूँ, तो इसलिए जो 5 वोल्टेज का जो वी चार्ज लाइन है उसको मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ। देखिए, जम्पर हो गया है, तो इस तरफ से आप OBP IC को बाईपास कर सकते हैं। चलिए अभी थोड़ा क्लीन कर देते हैं। अभी मदरबोर्ड को मोबाइल में कनेक्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं अभी चार्जिंग करंट कितना ले रहा है। पहले तो फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम था, अभी क्या कंडीशन है एक बार चेक कर देते हैं।
देखिए मोबाइल में चार्जिंग लोगो तो आ गया है। देखिए अभी मोबाइल 9% चार्जिंग शो कर रहा है और कुछ टाइम थोड़ा रुक जाते हैं, चार्जिंग परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए अभी 10% दिखा रहा है, यानी कि हमारा जो चार्जिंग अभी मोबाइल परफेक्टली हो रहा है। एक बार पावर ऑन करके चेक कर लेते हैं। मोबाइल अभी बूटिंग हो रहा है। एक बार मैं आपको एम्प मीटर में भी शो कर देता हूँ, 0.8 एम्पियर में वो मोबाइल अभी चार्ज हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।